ओके देखो, सबसे पहले तो अपना आज की लेक्चर 11th है, ठीक है। और आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और टू बी वेरी प्रिसाइज, न्यूमेरिकल्स में आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं सारे के सारे PYQs हैं, ठीक। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल सेशन। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि कल सैटरडे को आपका ना एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपको एक टाइम बता देती हूँ, नोट कर लो प्लीज, 5 से 6:30 इन द इवनिंग, ठीक। आपका फिजिक्स का क्लास रहेगा, फ्रॉम 6:45 to 8:15 आपका केमिस्ट्री का क्लास रहने वाला है, मैम इस प्रिंस का ओके इतने, जस्ट लिसन टू मी, बस टाइम ही लिख रही हूँ, 8:30 to 10 PM आपका मैथ्स रहेगा या बायो जो भी है आप, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है क्या अभी? यस मैम, यस ठीक, ये मैम, टाइमिंग है जस्ट फॉर सैटरडे, ठीक है, सिर्फ सैटरडे की रिवीजन सेशन की। कोई इश्यू इतने में? नो मैम, नो मैम, ठीक है, तो अब अपने सेशन स्टार्ट करें। पेंडिंग मैम, क्या बेटा? ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ चार्ज्ड बॉडी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, देन इट्स स्पेसिफिक चार्ज, ऑप्शन ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन सेम, ठीक है, बताओ क्या होगा? रिमेन सेम, क्योंकि ओके, फटाफट ना आंसर्स चैट बॉक्स में ड्रॉप करना, ठीक है। ओके, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि इट विल रिमेन सेम, राइट। जस्ट अ मिनट, एक बार ध्यान से देखो, स्पेसिफिक चार्ज लिखा हुआ है। मैम इसका आंसर बी होगा, डिक्रीज मैम, डी बी होगा, डिक्रीज क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? मैम, वो स्पीड के साथ चेंज होता है ना। नहीं, स्पेसिफिक चार्ज लाइक, देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्पेसिफिक चार्ज क्या है। सो स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज अपॉन मास। अब अगर स्पीड कम हो रही है तो आप समझ जाओ कि मास कम हो रहा है, और अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है तो न्यूमरेटर बढ़ता है, यानी कि इसका आंसर होगा इंक्रीज। समझ में आया कुछ? मैंने यस बोला कि स्पेसिफिक चार्ज, राइट, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम। आपको पता है कि अगर हम रेस्ट मास की बात करें तो रेस्ट मास से ज्यादा चार्ज मास होता है मूविंग मास, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चार्ज बॉडी की जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। मैम, बट जो जिसका मास कम होगा उसकी तो स्पीड ज्यादा होगी ना। बेटा दैट इज फॉर क्लासिकल थिंग, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट आ गया ना, चार्ज, ठीक है, उसकी बात चल रही है कि विद मूविंग विद स्पीड डिक्रीजिंग मास विल डिक्रीज। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, याद हो, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाय सी स्क्वायर, यस मैम, यस तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखो, अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो आप समझ जाओ कि ये इंक्रीज हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट ओके? यस मैम, लेट्स कम टू क्वेश्चन टू। यहाँ पे बोला है, एक सेकेंड, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्जेस 8 कूलम एंड -4 कूलम इज एफ। इफ दे टच्ड एंड प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम, करो, 5:43 हो रहा है, सेकेंड, ठीक है, 17:43, ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 3 मिनट्स। उससे पहले आंसर आ जाए तो ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स। गुड इवनिंग आकाश,
ओके साक्षी कृतिका अगेन साक्षी संची ओके इट्स तन्वी ठीक है तो इन लोगों ने आंसर दिया है दैट्स गुड सबका आंसर बी आ रहा है राइट ओके यू आर रिचिक कपूर एक्चुअली तुम लोग अपने नाम से नहीं आते हैं थोड़ा सा हो जाता है ठीक है तो सबके आंसर्स भी आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं लेट्स सी हाउ एक बार ही देखते हैं देखो हमको क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक चार्ज है माइनस एट कूलम लेट्स से सम डी डिस्टेंस अपार्ट है और दूसरा चार्ज है कितना माइनस फोर कूलम एट कूलम और माइनस फोर कूलम ठीक है दिस इज द इनिशियल सिनेरियो बेटा इनिशियल सिनेरियो के हिसाब से आप इनके बीच फोर्सेस निकालो तो क्या आ जाएगा 32 अपॉन डी स्क्वायर राइट अब इन्होंने फाइनल सिनेरियो में ये बोला कि बीच में क्या करा हमने इन दो को पास लाए टच कराया जब आपको कभी क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो ना तो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है हमको सॉल्व करना है तो इसीलिए हमारा ओरिएंटेशन वैसा होना चाहिए तो हम मान लेंगे कि आइडेंटिकल बॉडीज है अगर आइडेंटिकल बॉडीज है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अब जिन भी बच्चों को लगता था ना कि क्वेश्चंस नहीं होते समझ नहीं आता न्यूमेरिकल्स नहीं आता आज प्लीज अप्रोच समझो मैं अपना मीन शेयर करेंगे चार्ज का क्या करेंगे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मीन शेयर होगा मीनिंग इन दोनों को हाँ इन दोनों को ऐड करके और बाय टू कर देंगे तो एट माइनस फोर प्लस का फोर प्लस फोर बाय टू टू कूलम यानी कि यहाँ भी टू और देखो उन्होंने बोला कि सेम डिस्टेंस पे रख दिए अभी जो f प्राइम आया ये आएगा आपका k 4 अपॉन d स्क्वायर ठीक है अब आप f बाय f प्राइम कर लो मतलब बेसिकली f प्राइम बाय f तो क्या आ रहा है मैम यहाँ जो हमारा फर्स्ट चार्ज है वो 2 कूलम कैसे आया क्या बेटा मैम जो आपने लिखा है f is equal to k ब्रैकेट में मैम 32 कैसे आ गया बेटा 8 4s are 32 ना तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला k q1 q2 / r स्क्वायर ठीक है f प्राइम ये नहीं आना चाहिए मतलब 4 फिर तो f / 4 थोड़ी आएगा आंसर f / 8 आंसर आएगा f प्राइम इज इक्वल्स टू f / 8 सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी आप पीछे दिखा दो क्या बेटा f / 8 आएगा ना हाँ जी एफ बाई एट आएगा मैम एक बार सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का तो हाफ हो जाते हैं ना चार्ज एग्जैक्टली ये हमने कहाँ पढ़ा था मैम ये कंडक्शन कंडक्शन में इसको हमने पढ़ा था मैम यहाँ एट का हाफ ऐसे टू कैसे आया यहाँ पे बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ता है दोनों बॉडीज पे तो आप यहाँ पे अगर टोटल चार्ज निकालोगे तो वो आएगा 8 माइनस 4 उस टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो 2 से तो ये 2 इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है 2 कूलम आ जाएगा थैंक यू मैम ओके बेटा ठीक आगे चलें यस मैम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं ठीक है अब बताओ उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में डी डिस्टेंस क्रॉस करने के या क्या टाइम होगा मतलब टाइम में क्या रिलेशन होगा TP इज रिप्रेजेंटिंग टाइम फॉर प्रोटॉन TE इज रिप्रेजेंटिंग टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तीन ऑप्शन है आपके पास एंड इट्स 1748 राइट नाउ ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 3 मिनट्स मुझे ज्यादा है बट ठीक है अभी स्टार्टिंग है करो
के तो अंशिका त्रिशा रिशिता साक्षी एंड सुनैना कोमल शैली तनवीर तनवी ठीक और सत्यम शिवानी दिग्नेश आकाश श्वेता रुद्र साधना अलीशा काफी सारे बच्चों ने आंसर किया और सबने आंसर मोस्टली क्या अच्छा ए बी सी मतलब वैरायटी है सारे कुछ कवर कर लिया तुमने और कोई ट्राई कर रहा है बीटेक बेटा बीटेक बीटेक नहीं कर रहा मैंने मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि बीटेक बुरी चीज है अरे I'm saying कि I've done BSc Physics Honors. एक अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट अब मुझे एक बात बताओ एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है राइट और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगती है दोनों पे फोर्सेस बराबर लगती है ना यस मैम क्योंकि दोनों की चार्ज सेम है लेकिन लेकिन ओके जगह नहीं है इस फोर्स को हम अगर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करें तो इट वुड बिकम इनवर्सली रिलेटेड टू मास और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है प्रोटॉन से दोनों में 1000 का फर्क होता है प्रोटॉन 1000 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से तो एक बात मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा ना यस यानी अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा प्रोटॉन से राइट तो ऑप्शन बी इज करेक्ट किन किन बच्चों का बी था जरा हैंड रेस करना मैम मैंने पहले बी करा था और फिर गलती से नहीं 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 जिनका फाइनल कोई इशू नहीं ठीक है लॉजिक्स में से ऐसे सीखो तो बेसिकली 9 बच्चों का है चलो मैम कभी कभी गलती भी करनी चाहिए मैंने भी मास ही कंपेयर किया था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन ओके यस मैम अब ये वाला क्वेश्चन करो ठीक है पिछला क्लियर ना किसी को डाउट तो नहीं होगा यस मैम क्लियर मैम ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर एंड टू आर फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन चार्ज ठीक है और टाइम है 17:53 अगेन टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से करो क्या आएगा त्रिशा शिवानी सत्यम विभा श्वेता खुशबू आकाश सानिया
अरे पोल दे देंगे अगली बार से, ऐसे समझ में आता कौन क्या कर रहा है। यस मैम, हम पोल में आपके पास लिखा था किसने क्या आंसर किया है। हाँ परसेंटाइल आ जाती है कि हाँ ये भी आ जाता, ये नहीं आता लेकिन पता चलता है कि किसने करा, वो भी एक सेटिंग है पर उसमें बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ेगी। फिर तो पोल ही करवाते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। एक बात बताओ, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड था ठीक। एक बात बताओ, इफ दिस इज अ इनफाइनाइट चार्ज ठीक है, this distance r and let's say this distance is 2r, so e1 by e2 kaise depend kar rahe hai, is tarah se to kar rahe hai inversely proportional ek dusre ke, so 2:1 nahi aa gaya bolo। Yes ma'am, pakka? Yes ma'am, maine 1:2 likh diya। Ha कोई नहीं, लेट्स कम टू क्वेश्चन 5। पेपर सॉल्यूशन दिखाना। हां मत पूरे सेशन में आप क्वेश्चन नहीं कराओगे ना? हां आज क्वेश्चंस ही हैं। तुम लोगों का मतलब ये लिटरली फायदा है कि आज का सेशन भी क्वेश्चंस का है और कल का सेशन भी क्वेश्चंस का होगा। ऑल्दो कल के सेशन में मैं स्टार्टिंग में एक बार एक समरी सी पूरी तुमको दे दूंगी ताकि तुम लोगों को मतलब जो तुमने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फायदा मिल जाए। फॉर्मूलेस लिख देना। हाँ वही वही, मतलब लाइक इनफिनिट वायर सबके लिए अलग अलग था ना, रिंग के लिए सेमी सर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट हैविंग चार्ज क्यू जस्ट आउटसाइड द प्लेट ठीक है। अगेन 1757 राइट नाउ, 18 तक बताना और मैं अभी पोल दे रही हूँ वहां पे आंसर करना। मैम इसके स्क्रीन स्टक है, क्वेश्चन नहीं आ रहे। नहीं बेटा स्क्रीन तो सही चल रही है, एक बार आप रिफ्रेश करो अपने एंड से। मैम क्वेश्चन 4 विजिबल है बस। नहीं नहीं है, मैंने भी साइड में खोला हुआ है ना बच्चे, एक बार आप नेट रिफ्रेश करो अपने तरफ से। मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 3 वाली स्लाइड दिखा दो। कौन सा? अभी ठीक है, अभी पहले इस वाले पोल पे चल रहे ना, फिर दिखाते हैं ये चीज। ओके चलो बच्चों जल्दी से पोल, हाँ पोल ट्राई करो, अभी कम वोट्स आए हैं, जल्दी करो। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्या बेटा? मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा स्क्रीन पर। बेटा एक yes, बार आप बेटा आप स्क्रीन देखो, मैंने भी साइड में खोला हुआ है, एक बार आप ना रिफ्रेश करो ठीक है, विजिबल है इधर से सही है, एक बार करके देखो रिफ्रेश, बाकी को दिख रहा है ना? यस मैम। मैम अब तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। मैम आ रही है। मैम मैंने कट करके दोबारा ज्वाइन करा है। मैम अब शो हो रहा है। मैम मैंने पोल कर दिया। ठीक है तो काफी सारे बच्चों को आ भी गए, 21 वैसे कम ही बच्चों को आया, बाकी सबको पोल यूज करना आता है ना, किसी को पोल में तो दिक्कत नहीं है कि पोल यूज करना नहीं आ रहा हो? एक्टिविटीज में जाके कर लो।
ठीक है, चलो एंड करते हैं। तो बेसिकली ज्यादा बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, विच इज रॉन्ग। अब एक बात बताओ, कल ही, कल नहीं, थोड़ा सा टाइम हो गया इस चीज को, और नॉन कंडक्टिंग शीट तो हमने कल ही डिस्कस की थी। मैं तुम्हें बताया नहीं था कि नॉन कंडक्टिंग शीट और जो कंडक्टिंग शीट है दोनों ही क्या करते हैं, आउटसाइड के लिए बात सेम रहती है, क्योंकि सारा चार्ज शीट पर आ गया, तो इट इज सपोज टू बी 1:1। मतलब ये तो ऐसा था कि लाइक मुझे लगा था अगर ये पी वाई क्यू है तो मतलब तुम लोग को तो कितना आता है। ऐसे मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डरने की जरूरत नहीं है लेंथ देख के, ठीक है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। देखो यहां क्या बोला है कि चार्ज्ड पार्टिकल है ए बी और सी, आपको दिख रहे हैं जिन पे आप -4q, 2q और -2q लिखा हुआ है। यस मैम, ठीक है। ये एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पर रखे हैं जिसकी रेडियस है डी। जो चार्ज्ड पार्टिकल ए सी और सेंटर है, आपको दिख रहा है ए ओ सी ट्राइंगल टाइप चीज, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट ओ अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ओ पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। 18:02 हो रहा है, अब 4 मिनट ले लो, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सी क्यू बना रहे हैं, ए सी ओ, देयर इज नो क्यू, ठीक है, सेंटर पे ओ। आई विल लॉन्च अ पोल फॉर दिस, तो आंसर उधर ही कर लो। जिसको नहीं पता बेटा एक्टिविटीज में जाकर वहां पे पोल का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप आंसर कर सकते हो। बेटा पोल लॉन्च हो गया क्या? देखो लॉन्च टाइम मेरी साइड से। यस मैम। हाँ यस मैम, वोट शुरू हुए हैं, ठीक है, जल्दी से उधर ही वोट करो। ओके, बाकी बच्चे पोल करो जल्दी से। ठीक है मैम, एक मिनट अभी कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक अभिषेक। ओके बेटा, मैं समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को यूज करना नहीं आ रहा, लाइक दे आर 48 स्टूडेंट्स और सिर्फ अभी 21 वोट्स आई है, आधे भी नहीं है, तीन करके आधे कर दो। गुड,
ओके शाली, ओके पलक, ठीक मानसी, ओके भूमि, कावेरी, रोहिणी, पलक, टच नहीं हो रहा, ठीक है साधना मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। ओके तन्वी, निधि, ठीक। देखो दिक्कत ये है कि जितनी भी वोट्स आई उनमें सबसे ज्यादा वोट्स है गलत के लिए, ऑप्शन बी लोगों ने सेलेक्ट किया है। मैम क्या? इट इज नॉट बी, ऑप्शन बी गलत है। लेट्स सी, हम ऑप्शन डी होगा, मैंने तो डी करा था। देखो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जस्ट अ मिनट, मैम एक बार ऑप्शंस वाली स्लाइड दिखाना। ये देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इन्होंने बोला कि ओ पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओ पॉइंट यहाँ बनाऊं तो प्लस टू की उस पर किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? इस डायरेक्शन में ना, राइट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस टू क्यू, समझ रहे हो? ये माइनस टू क्यू इस ओ पॉइंट पे फिर अपनी तरफ फील्ड बनाएगा इधर की तरफ। अब बचा हमारे पास क्या, ये माइनस फोर क्यू, बेटा ये ऐसे बनाएगा, होगा ना ऐसा ही? Yes, इन दो के बीच 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ड्यू टू प्लस टू क्यू या ड्यू टू माइनस टू क्यू, जब एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड का है तो फिर क्या आएगा, के टू क्यू बाय आर स्क्वायर और इंटू टू, क्योंकि दो है एड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा के फोर क्यू बाय आर स्क्वायर, इज दैट ओके? यस मैम, ठीक है। अब बात कर लो इधर वाले की, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ड्यू टू माइनस फोर क्यू के फोर क्यू और डिस्टेंस कितना है डी स्क्वायर, यहाँ भी डी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ सेम वेक्टर है, तो हमेशा जब सेम वेक्टर मिलता है तो बीच से पास होता है ना, याद है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, E इज इक्वल्स टू टू ई नॉट कॉस थीटा बाई टू, राइट? वेक्टर एडिशन वाला चीज यूज करो, तो यहाँ आ जाएगा टू इंटू के फोर क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर और कॉस थीटा बाई टू, यहाँ पे 30 डिग्री आएगा क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है, cos 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई सॉरी वन बाई टू, राइट? मैं एक बार वाला स्टेप रिपीट कर दो, कौन सा वाला बेटा? मैं cos थीटा बाई टू वाला, ये कुछ नहीं है, देखो वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं होता, r स्क्वायर इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, होता है ना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला वेक्टर का? यस मैम, यस मैम, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। हां उसी में आप ये वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो आप पुट करो e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos थीटा, इधर 2e स्क्वायर इधर 2e स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस cos थीटा, राइट? पहुंचे यहां तक? यस मैम। 1 प्लस cos थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो। यस मैम। अब हो गया आपके पास अंडर रूट में 4e स्क्वायर cos थीटा बाय 2। Yes, और इसका भी cos का भी स्क्वायर है, तो जब आप अंडर रूट हटाओगे तो बाहर आएगा ना 2e cos थीटा बाय 2। यस मैम, आ गया समझ, आ गया समझ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है cos 30 डिग्री की, cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी रूट थ्री बाई टू। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, देखो रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू फोर क्यू, बेटा फोर से फोर कैंसिल तो आंसर आ गया रूट थ्री क्यू टाइम्स ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन डी, राइट? मैम इसमें ना मैंने जैसे कि करा, मेरा आंसर सेम ही आ रहा है, बट जैसे कि आपने इसमें 2e नॉट cos थीटा बाय 2 लिया, मैंने इसमें ना रिजल्टेंट निकाल लिया था जो वही तो है, ये अभी तो मैंने वही तो एक्सप्लेन किया, वही है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि cos 60 की वैल्यू रूट थ्री में आती है जब भी 60 डिग्री का होता है, तो ठीक है। अब देखो, हाँ आप भेज दो मुझे, आई विल चेक इट आउट। देखो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7,
ये हमसे कह रहा है कि दो चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, ए और बी पोजिशन पर ये लोग प्लेस्ड है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो रहा है, राइट। अब इन्होंने डिस्टेंस इन दोनों के बीच 2a दिया, थीटा इज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल और OP से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AB के लिए, ठीक है, AB के परपेंडिकुलर। वहां पे एक चार्ज हमने रखा है पॉइंट P, बेटा इस तरह से रखा है कि जो Y है ना ये बहुत बड़ा है 2a से। अब हमने क्या किया, चार्ज Q को उठाकर y/3 पे रख दिया, ठीक है, दो सिचुएशन है हमारे पास, दोनों में फोर्सेस निकालो और देखो कि क्या आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है, एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, ठीक है। 18:11 हो रही है, आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दो। देखो एक डाइपोल है अपने पास, ठीक है, 2a डाइपोल लेंथ है उसकी, उसकी परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, लोग तो 32 बच्चों ने वोट कर दिया, दैट्स गुड। हाँ तो हमने क्या किया, डाइपोल है, डाइपोल से बहुत ऊपर एक पॉइंट है P, जहां पर हमने चार्ज Q रखा है, ठीक है, इक्विटोरियल पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने उस चार्ज को उठा के y/3 पे रख दिया, पहले डिस्टेंस y था, अब उसके 1/3 पे रख दिया। ये दोनों सिचुएशन में आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है और उनका कंपेरिजन करा रहा है, अब समझ में आया, ठीक है, ट्राई करो और मैं फिर से पोल लॉन्च कर देती हूँ एंड जस्ट आंसर दैट। शैली कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा, बोल गए थे कि लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दो। हाँ एक मिनट, मतलब उसमें क्या करना था मैम, मतलब समझ नहीं आया, लास्ट वाले समझ नहीं आया बेटा। यस मैम, ओके सॉरी बेटा, मैं स्क्रीन ऊपर कर लूं। अच्छा देखो इधर देखो शैली, तो मेरी तरफ मैं तुम्हें बताती हूँ, वहां हमें पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है, सपोज पॉइंट ओ इज दिस 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 दिस, ठीक है, पॉइंट ओ ये है इसकी टिप, ठीक है। अब पॉइंट ओ से तीन चार्ज है, एक तो इस तरह से लाइन में है, ठीक, प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू, और एक कुछ एंगल पर है माइनस फोर क्यू। अब आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आपको वहां पे टेस्ट चार्ज रखना चाहिए। तो जब मैं ओ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगी तो प्लस टू क्यू से रिपेल करेगा, यानी कि उस ओ पॉइंट पे इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू पॉजिटिव टू क्यू, नेगेटिव वाला क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, है ना, वो भी इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब एक जो ये तीसरा वाला चार्ज है वो भी नेगेटिव है, तो बेटा वो भी उसे अपनी तरफ खींच, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर आएगा, ठीक है। इनके बीच कुछ 60 डिग्री का एंगल है, आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकाल कर बस फाइंड आउट करना है उसे। कौन सा आंसर करेक्ट है, क्या बेटा कौन सा आंसर करेक्ट है, आई विल टेल यू, बस थोड़ा सा भी रुको। हाँ पोल पर करना है और अभी सिर्फ 14 बच्चों के आंसर्स आए हैं, चलो अभी टाइम है 2 मिनट का, सो ट्राई। मैम मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन भेजा है। एक्चुअली आज ना थोड़ा सा व्हाट्सएप वाला फोन चार्ज नहीं है, ठीक है, तो तुमने भेज दिया कोई इशू नहीं, मैं उसे एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें रात में रिवर्ट कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, 18 वोट्स आई है अभी, और बच्चे चलो जल्दी से वोट करो। मैं एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत टाइम लग गया। मैं आपने अभी क्या बोला, सुनाई नहीं दिया।
मैंने ये बोला कि जल्दी से वोट करो, ठीक है, और अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 8:16 तक का टाइम है, ठीक है, आप 17 तक आंसर करो। क्या बेटा ये क्वेश्चन कहाँ पे आया, मुझे पता नहीं, मैंने जेईई और नीट दोनों के भी कंबाइन करके पढ़ाए थे, ठीक है ना, कंबाइन करके ज्वाइन कराए यहाँ पे, पर मुझे वो तुम कह रहे थे ना एक क्वेश्चन में तुम्हें कल कराया था रो नॉट आर वाला कि ये जेईई का है, बेटा वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने नीट का भी देखा था, तो मेरे को बड़ा मजा आया था जब मैंने वो क्वेश्चन देखा था, मैंने कहा कल बताऊंगी मैं लोगों को, तो आज मैं दिखाऊंगी तुम्हें वो क्वेश्चन। खैर मैंने उसका एक छोटा सा सोचा है कि सिंपल सा फॉर्मूला तुम याद कर लो तो तुम्हें डील करने में आसानी होगी, और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया ही है, ऐसे भी आने दो। हाँ बोलो शैली, अभिषेक पहले, अभिषेक बोल लो फिर शैली बोल लेना। मैम जो जेई का पेपर क्वेश्चन आते हैं पहले, जैसे रुड़की है आईआईटी, उसके भी पेपर पहले अलग अलग आते थे सबके, एआई ट्रिपल ई है ना, हाँ अलग अलग आते थे उस टाइम को, अब तो बाद में सब से हटके एक ही रह गया ना। यस ठीक है, तो आई स्टिल सी ये सिर्फ 26 लोगों ने वोट किया है, बाकी का कोई आंसर नहीं आया, और इस बार आंसर मैक्सिमम बच्चों का सही है, सो दैट्स वेरी गुड। ऑप्शन डी आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा था, एक बार समझो और देखो कि क्या आपने वही आंसर किया है, मतलब वैसे ही निकाला तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमसे बोला कि एक है ये माइनस क्यू, इससे 2a डिस्टेंस दूर एक हमारे पास है प्लस क्यू, ठीक है, दिस इज अ डाइपोल, इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली आपको इन्होंने एक पॉइंट दिया, बहुत दूर था वो पॉइंट, यहाँ पे q है ना, वाई डिस्टेंस अवे, राइट। मैम इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा के करा, एग्जैक्टली यहाँ पे, बिल्कुल, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, राइट, अपोजिट जाता है, फॉर्मूला देखोगे तो माइनस के पी बाय आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियल केस में, दैट वुड बिकम माइनस के पी अपॉन वाई का क्यूब, ठीक, अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई, तो यानी कि माइनस के क्यूब पी बाय वाई क्यूब, दिस इज द इनिशियल फोर्स। अब इन्होंने हमें क्या बोला कि इन्होंने इस चार्ज क्यू को उठाकर यहां रख दिया, नाउ इट इज वाई बाई थ्री अब, ठीक है, वाई बाई थ्री अवे फ्रॉम द सेंटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नई वाली फोर्स आएगी एफ प्राइम, वो कुछ ऐसी नहीं आ जाएगी माइनस के क्यू पी अपॉन वाई बाई थ्री का क्यूब, क्यूब इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस के क्यू पी वाई का क्यूब अपॉन थ्री का इंटू, मतलब वो ऊपर पहुंच जाएगा, विच इज 27। तो अब ध्यान से देखो, दिस इज 27 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स, ये सुनो मैम, एक जगह पे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो 2 के पी बाय आर क्यूब होती है ना, और एक जगह पे बेटा वो एक होता है एक्सियल पॉइंट, एक होता है इक्विटोरियल पॉइंट, और मैंने जब डिस्कस किया था तब मैंने जनरल पॉइंट पे डिस्कस किया था, अब वो यहाँ से जब आपको खुद बोल रहा है कि इक्विटोरियल पॉइंट पे रखा है तो फिर हम एक्सियल पॉइंट क्यों डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये बार बता दो, ये वाला एक बार दोबारा से बता बेटा, देखो yes, एक सिंपल सी बात समझो कि पहले केस में जो डाइपोल था उसके परपेंडिकुलर, जो सही नहीं जा रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर यहाँ पर कहीं चार्ज रखा था, ठीक है, क्यू चार्ज, आपको याद है जब मैंने आपको डाइपोल पढ़ाया था तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट अलाइन होता है, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे अपोजिट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक जर्नल केस में कराया था, वहां से भी आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और कितना होगा के पी बाय आर क्यूब, ठीक, वेक्टर फॉर्म में, सिंपल है। अब आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वाई है ना, यहाँ पे वाई रख दो, तो ये हो गया इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा फोर्स निकालने के लिए चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पे चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू हमने रख दिया, हमारे पास इनिशियल फोर्स आ गई। अब सेकंड सिनेरियो उन्होंने क्या बोला कि हमने y से उठा के चार्ज को y बाई थ्री पे रख दिया, यानी कि 2/3 डिस्टेंस नीचे लिया, ठीक है,
बोलो सत्या। यस मैम। अभी जो टू थर्ड वाला नया वाला जो पॉइंट है, अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स निकाल के बताओ, तो हमने फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया। बेटा कहीं भी रखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर ही रहेगी, है ना, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। तो हमने नेक्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ई प्राइम निकाला, अगेन के पी बाय वाई क्यूब। लेकिन इस बार ध्यान रखना, ये क्यूब इससे वाई बाय थ्री ऊपर है, तो इसलिए हमें आर की जगह वाई बाय थ्री का क्यूब रखना पड़ेगा। तो y क्यूब अपॉन 27 है, तो बेटा 27 नीचे से उठ के ऊपर चला गया, ऐसे कर देते हैं ना। यस मैम। डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट इज से नेगेटिव आया है। हां बेटा, इसलिए नेगेटिव वेक्टर फॉर्म में लिखा, देखो हर जगह वेक्टर फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो बस आपने फॉर्मूले में पुट किया और आपने देखा कि इट इज 27 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। अभी समझ में आ गया? यस मैम। ओके ठीक है, लेट्स कम। हां बोलो बेटा। जो y by cube लिखा है, तो मैम जो next, मैम उसमें y cube कैसे आया? क्या बेटा? मैम जो हमारा था minus k cube by y by cube, तो मैम y cube कैसे आया? बेटा r की जगह रख दिया ना, formula है ये, e is equals to minus k p by r cube। Yes मैम। तो r की जगह हमने y रख दिया, इसके जगह क्या? Okay मैम। मैम ये डैपल मोमेंट का इक्वेटोरियल वाला है ना फॉर्मूला? हाँ बेटा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 जो A और B पॉइंट पे रखे हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल OAB के, ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हो। अभी उन्होंने बोला है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट O पर, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस AB। अब आपको निकालना है Q1 by Q2 क्या होगा। समझ में आया? Yes मैम। तो अगेन 1822 हो रहा है, आप इसे 1826 तक करके बताओ मेरे को फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है। मैम फोर्थ ऑप्शन x2 by x1 है ना? हाँ बेटा, x2 by x1 है। देखो ए ऑप्शन है x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर, ऑप्शन बी है x1 का क्यूब अपॉन x2 का क्यूब, ऑप्शन सी है x1 by x2, ऑप्शन डी है x2 by x1।
अभी तक 26 बच्चों ने वोट किया है. ओके शानी, ईशानी, सुनैना, खुशबू, पलक, श्वेता, निर्भय, हिमानी, शिवानी, छाया, साधना, कृतिका, अभिषेक, भावना, सबने कर लिया. चलो बढ़िया, सोनिया ने कर लिया, प्रशा, कावेरी, काफी जल्दी करा, तुक्के तो नहीं मार रहे तुम लोग. नो मैम. चलो सही है मैम. डी गलत है क्या? इट्स आलम. आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो बच्चे? सिक्स्थ क्वेश्चन राइट? वो आप अभी अभी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का सलूशन ये रहा. ठीक है, मतलब अभी टाइम है, थोड़ा सा और करो. ओके अलीशा का हो गया, इजी ही था ये तो. ओके बेटा जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं वापस से स्क्रीन सिक्स पे लिया, वो एट पे लिया. हम एट का आंसर बता दो. अभी बताते हैं, बताते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे. हेलो, इस बात को काफी लोगों ने वोट करा है. ओके सुनैना, ठीक है, तो इस बार भी मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है, इट्स ऑप्शन सी. वेरी गुड. देखो हमें क्या बोल रहा है कि Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं उनकी परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम बनाऊ समथिंग लाइक दिस, राइट, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये जो ओ पॉइंट है इससे इस तरह से, है ना, इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ये सुन लो. यस मैम. है ना, परपेंडिकुलरली, ठीक है. Yes, यहाँ पे Q1 रखा था, यहाँ Q2 था, राइट, दिस इज X1, दिस इज X2, यही था ना? यस मैम. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगेन वही सेम चीज, इस डायरेक्शन में Q2 की वजह से फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में Q1 की वजह से फील्ड होगा, होगा ना? यस मैम. यस मैम. ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा तो बताओ ये एंगल भी थीटा ही होगा ना? यस मैम. तो देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, फिर ये पूरा 90 डिग्री, सो दिस वुड बिकम थीटा, राइट. अगर मैं यहां से 10 थीटा निकालना चाहूं तो यहां से 10 थीटा का वैल्यू कितना आएगा मुझे ये बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 फॉर्म में E1, है ना. अब E2 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहां पे रख लेते हैं. E2 का फॉर्मूला होगा K इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा Q2 by Q1 इंटू X1 का स्क्वायर अपॉन X2 का स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब यही 10 थीटा का वैल्यू क्या मैं इस ट्राइंगल से भी निकाल सकती हूँ, इस वाले ट्राइंगल से, ए ओ बी से? तो जब हम वहां से 10 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा X1 by X2. दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो बेटा ये बनेगा Q2 by Q1 into X1 का स्क्वायर by X2 का स्क्वायर is equals to X1 by X2. यहां से आप एक काम करो, Q1 by Q2 का वैल्यू निकालो, X1 upon X2. तो देखो एक ये कैंसिल, एक से ये कैंसिल, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी X1 by X2. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? मैं जो आपको भेजा ना भाई उसमें ना मैंने कैंसिल नहीं किया, ऐसे अपने माइंड से कर दिया. अच्छा, कोई इशू नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेंगे. ठीक,
अब देख लो ये है पी वाई क्यू, आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व एक मिनट दिखा दो वो वाला। हाँ बेटा m x1 by x2 आंसर है ना? हाँ जी, c आंसर आ गया ना, x1 by x2। ओके मैम, tan थीटा यहाँ पे 1 हुआ है क्या? नहीं बेटा 1 नहीं हुआ, देखो ये भी आपने tan थीटा की वैल्यू निकाली, ये भी आपने उसी tan थीटा की वैल्यू निकाली, तो इक्वेट कर सकते हैं ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। यस मैम, दोनों को इक्वेट कर दिया फिर आंसर आ गया। हां x2 ठीक, ओके ठीक है, आगे चलो। यस मैम ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां हमें डेंसिटी फंक्शन दी हुई है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और आपको दे रखा है रो एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अभी आपसे क्या कह रहे हैं, आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, विच इज आर वन डिस्टेंस इन साइड द स्फीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके आई गेस यहाँ पे ना एक चीज मिस हो गई है, यहाँ पे आर आएगा, स्मॉल आर, अब सही है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ओके ओके मैम, ठीक है, ट्राई करो इसे। और एक मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आप इस तरह से लिख सकते हो 1/4πε0 अपॉन जिस भी डिस्टेंस पर निकाल रहे हो वो, इंटीग्रेशन रो इंटू 4πr² dr। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इज क्यू इन साइड, बाकी सब तो सेम था ही। यूज दिस, अदरवाइज यू नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला, बेसिकली द इंटायर मेथड, ठीक है। अब मैं ट्राई नीचे खींचे इसको फटाफट से क्वेश्चन दिखा दूं, हाँ एक बार इसको फटाफट से नोट कर लो ताकि मैं क्वेश्चन दिखा दूं। मैम क्वेश्चन दिखा दो। मैम कर लिया, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी एंड इट्स 18:33 राइट नाउ। मैम एक बार ये दोबारा स्लाइड ऊपर कर दीजिए, लिखा नहीं था। फटाफट से लिखो इस चीज को, ठीक है, मुझे बताओ, लिख लिया बेटा? आपको इन्होंने वेरिएबल डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और आपसे बोला है कि पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विच इज आर वन डिस्टेंस इनसाइड दिस स्फीयर, ठीक है, ये आपको वेरिएबल इन्होंने चार्ज डेंसिटी दी हुई है, और पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो स्फीयर के इनसाइड है आर वन डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, स्टार्ट। मैम इसका पोल लॉन्च हो गया, जो अपने आप पे वाइट से स्मॉल आर बनाया है, ये वही आर है जो अपने आप पे स्फीयर एट डिस्टेंस स्मॉल आर है, मतलब सेम है दोनों आर। बेटा वो वाला जो आर बनाया है वो वेरिएबल है, ठीक है, और नीचे वाला आपको वो एक पॉइंट बता रहा है कि आर वन पॉइंट पर एक, मतलब आर वन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मैंने आपको एक जनरल फंक्शन दिया है।
मैम उड़ गया मैम डन ओके गुड अभी बस 10 बच्चों का हुआ बट ठीक है वी स्टिल हैव फ्यू मोर मिनट्स वी विल वेट टिल देन मैम अभी आगे कितने क्वेश्चन है वैसे Let's see, पता नहीं देखते मैम कल भी क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे हाँ तो बेटर होगा कि आप खुद से एक बार चैप्टर पढ़कर आ जाओ ताकि आपको भी मजा आए करने में ओके मैम मैम ये बी ऑप्शन में ट्री है नीचे हाँ जी थ्री है मेरा फोन का आंसर गलत हो गया मेरा ए आंसर है ओके विभा सोनिया काफी सारे बच्चों ने बोले गुड एक बार ठीक है बट अभी स्टिल सिर्फ 24 ओके कोई नहीं शनि 26 वोट्स हैं अभी जस्ट एटलीस्ट 20 तो हैं कमान चार बच्चे जल्दी से वोट करो चार लोग चार बच्चे मैम ऐसे टाइम हो गया है हाँ आई नो 27 या कोई ट्राई कर रहा है तो फटाफट से वोट कर दो बच्चे 28 गुड टू मोर 29 वन मोर 30 दैट ठीक है जब भी कभी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी आपके सामने आए ट्राई टू यूज दिस वन बड़ा एक जनरल है मैंने आपको उसका पूरा क्यों आया वो भी बताया था हमें एक एक्स डिस्टेंस दूर डीएक्स थिकनेस की एक रिंग एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं राइट उस पर हम चीजें निकालते हैं याद है फिर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ भी मुझे सेंटर से आर वन तक इंटीग्रेट करना है ऑपर एक्टिव फील्ड निकालो 1/4 pi epsilon naught इंटू आर वन का स्क्वायर ठीक है इसको जीरो से लेके आर वन तक करना है रो की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा ये वाली क्यू आर पाई आर फोर तो यहां आ जाएगा क्यू आर वन सॉरी क्यू आर पाई कैपिटल आर फोर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बेटा अभी इसमें जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो इट वुड लुक लाइक 1/4 pi epsilon naught इनटू 1/r1 का स्क्वायर और क्या बाहर जाएगा क्यू पाई आर की पावर 4 और बाहर आएगा 4 पाई ठीक है तो अंदर आपके पास रह जाएगा 0 से r1 एंड इट वुड बिकम r क्यूब इनटू dr यही रहेगा यस मैम ठीक है अब यहां से जो सॉल्व हो सकता है इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको थोड़ा बाहर वाले को थोड़ा एक जगह कर लें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल तो ये हो जाएगा q पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 इनटू r1 का स्क्वायर और अंदर हो जाएगा r रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 0 टू r1 थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इट वुड लुक लाइक q पाई एप्सिलॉन नॉट
दिस थिंग इनटू दिस थिंग इनटू दिस थिंग राइट. देखो क्या बचेगा, क्यू आर वन का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 राइट, व्हिच इज योर ऑप्शन ए. तो 32 में से 17 बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया. मैम 18 मेरा भी ए है. मैम मेरा भी ए है. मैम मेरा भी ए है. और फिर आप लोगों ने सेलेक्ट लेकिन कुछ और कर लिया. मैम नहीं मेरा तो गलती से मैम मैंने ए पे करा है बेटे. अच्छा हां तो सही है. ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा मैम, वो तो हम बैठ के करते ना अभी घूम के और काफी हाथ में लगे करती हूं. चलो ठीक है गुड. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है आज ये क्वेश्चन एंड रखते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे मैम समराइज कर लेंगे. समराइज नहीं अटेंडेंस लेंगे भाई. अच्छा समराइज करना है तो एक काम करो फिर अब समराइज कर लेते हैं वाला कल ले लेंगे 10th क्वेश्चन. ठीक है यस मैम ये वाला कल ले लेना. मैं तो करवा रही हूं ना मैम एक ही क्वेश्चन अपने जाते हैं 7:15 पे जॉइन करनी होती है क्लास. चलो तो एक बार अटेंडेंस ले लेती हूं फिर और उसके बाद जिसको रिवाइज करना है अगर टाइम मिला तो ले लेंगे क्योंकि मेरी भी 7:15 पे क्लास है. मैम मैम जैसे दो एक नाम के दो तीन बच्चे तो मैम उनका रोल नंबर भी जो आप आईडी कल पूछे थे वो भी बोल देना. हां अरे नहीं एक काम कर रहा करो जिसका कल मैंने नाम नहीं लिया था जिनके जिन बच्चों ने मुझे लास्ट में नेम लिखवाए थे वो ना अपना पूरा स्टूडेंट आईडी सारे बच्चे एक जगह ना वो ग्रुप पे भेज देना. ठीक है जो हमारा है ग्रुप उस पे भेज लेना और फिर मुझे लास्ट में कोई बता देना कि मैम मेरे सारे बच्चे एक जगह क्लब करके मुझे दे देना. ठीक है एक जना भेजेगा तो उसे कॉपी पेस्ट करके भेज देंगे फिर साथ में.